नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट तीसरा है और हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और ये सारे जो सेट बन रहे हैं, ये सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले वाले प्रश्न हैं। मतलब ये हर बार हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे का ले, बैंक का ले, और PSSC का ले, और उसके बाद UPP का आपका जो चल रहा है वो ले, सही है। चलिए अगला, अब ज्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे, सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि ये चल रहा है प्रैक्टिस सेट, जो कम समय में क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व करें, यही हमारा उद्देश्य है, और आपका समय ना खराब हो, ठीक है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये आ गया है बर्ड मास का, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले यहाँ पे किसका गुणा होता है, ये जो पहले का वाला होता है, हम पहले उसको देखते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम अगर क्वेश्चन कोष्टक रहता है तो जानते हैं रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोष्टक नहीं है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 950 का 64% बोला है। पहले हम यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले कहाँ क्या देखेंगे, का वाला, काको भागो, आपने सुनी होगी कहानी। चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 950 का पहले हम क्या करेंगे, 950 का मतलब होता है गुणा, और 64%, 64% का मतलब होता है 64/100। ये हम अब अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्या है, यहाँ पे 475, 475, और यहाँ पे देखिए दिया ये है 900, 900 प्लस है। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 900 प्लस यक्स लिख दें, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख सकते हैं, यक्स रख सकते हैं, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जहां से हम जीरो से जीरो कटा देते हैं, ठीक है? और क्या कटा सकते हैं, यहाँ से हम ये 5 से कटा सकते हैं, 5 × 2 = 10, और ये 19 बार में कट गया, और ये 2 से 32 बार में कट जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, हम जरूरी नहीं है कि इसको हम सॉल्व, आपको एक डीएस मेथड है ये, इसको या तो आप कैलकुलेट करिए या तो आप डीएस मेथड से सॉल्व करिए। चलिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं, आपको डीएस जब समझा देंगे तो हम डीएस से भी सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट को देखकर सॉल्व करेंगे। कि ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको कम समय में और सही एक्यूरेट करना है, तो देखिए अभी ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखिए क्या कह रहा है, 475 है, 475, यहाँ से 19 का गुणा करेंगे, 19 × 38, 19 × 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा, 57 × 3 = 60, 608 हो गया, प्लस 900, सॉरी बराबर 900 प्लस यक्स, ठीक है? 900 प्लस यक्स। अब देखिए इसको हम यहाँ 608 को 475 में ऐड करेंगे, तो हम यहाँ हो जाएगा 608, 8 × 5 = 13, 7 × 1 = 8, 6 × 4 = 10। 1083 में से हम अब ये जो 900 वहां प्लस में है, ये आपके यहाँ इससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ में अगर प्लस में है तो ये धरात में है पर माइनस में होगा, तो यहाँ से हम 1083 में से 900 अगर माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 183 आएगा, 183 183, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए कोई है ऐसा, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये 183 आ जाएगा। यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 183। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए औसत औसत होता है जैसे कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है? देखिए इस तरीके का अगर क्रमागत वाला दे दे तो इसको हम कैसे लगाते हैं, देखिए हम जानते हैं 27 है, ये क्या है, 27 है। देखिए इसमें ज्यादा संख्या नहीं है, यहाँ पे ज्यादा संख्या नहीं है, यहाँ पे कहा है चार क्रमागत, तो हम चार क्रमागत जल्दी जल्दी मान सकते हैं, तो मानने के लिए देखिए चार, अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं अगर सम संख्या कहा है, सम संख्या कहा है तो जैसे अगर 1, 2, 3, 4 और 5, अगर 5 संख्या लगातार संख्या है, अगर इनका औसत हमें जानना हो तो हम जानते हैं ये क्या कौन सा होगा, बीच वाला होगा, ठीक है? ऐसे ही अगर 2, 4, 6, 8 और 10 हो, अगर यहाँ से हमें औसत निकालना हो तो यहाँ से हम औसत निकालना चाहेंगे तो ये बीच वाला औसत होगा। ये आपको औसत में और अच्छे से समझ आएंगे, ये हम समझ रहे हैं कि आप इसको जानते होंगे। अगर किसी भी संख्या में अंतर समान होता है, अंतर अगर
समान होता है तो हम जानते हैं अगर इनका औसत निकालना हो तो क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब यहाँ पे देखिए दो है और दस बटे दो, मतलब करेंगे तो कितना जाएगा, छह आ जाएगा, यहाँ से हम इसको छह मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमको अगर इसका एलसीएम निकालना, इसका औसत का जो क्या है, ये सताइस है, सताइस अगर औसत है तो संख्या कितनी है, चार संख्या, हम मान ले पहली संख्या, दूसरी संख्या, ऐसे माने पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, ठीक है, ये चार संख्या हमने मान लिया है। अब देखिए चार संख्याओं का औसत होगा तो कोई बीच वाला ही, ठीक है, बीच वाला होगा, यहाँ पे बीच वाला ये जो संख्या है ये क्या है, विषम है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से मानना चाहे तो यहाँ पे इसको मान सकते हैं 26 और इसको मानेंगे 28, ठीक है, जो हमारा औसत है उसी में एक जोड़ करके सम संख्या अगर लाएंगे तो 28 हो जाएगा, अगला लाएंगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि ये कहा है क्रमागत, क्रमागत क्रमागत कहा है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ 27 हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए अब हमारा जो हमसे क्वेश्चन कहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो विनोद वर्तमान, विनोद की वर्तमान आयु क्या होगी, विनोद की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी लॉजिक की जरूरत है, लॉजिक जरिए, जैसे आपसे जो आपका छोटा भाई है अगर 2 साल बड़ा है तो आज से 10 साल बाद भी वो 2 साल ही छोटा रहेगा, ठीक है, अगले 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा, मतलब जो आपका डिफरेंट है वो डिफरेंट हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। चार यहाँ जैसे कह दिया है 1:2, ठीक है, 1:2, तो ये जान लीजिए कि जो इनका डिफरेंट है ये हमेशा उतने ही वर्ष का हमेशा रहेगा, जैसे कहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु इतनी थी, ठीक है, और यहाँ पे कहा है 8 वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष पहले भी वो 8 वर्ष ही छोटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ से अंतर आएगा 1 का मान कितना दिया है 8, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके आयु का 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी 8 और 16 थी, ठीक है, 8 और 16 थी, ये हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, तो हम यहाँ से विनोद मान लेते हैं इसको और यहाँ से इसको विनीत, ठीक है, ठीक, यहाँ से विनीत और ये 4 साल पहले का है, अब 4 साल बाद कहेगा, 4 साल बाद कहेगा तो यहाँ पे 4 साल जब जोड़ देंगे तो ये 12 साल का हो जाएगा और ये 4 साल बाद का कितना हो जाएगा, ये 20 साल हो जाएगा, ये जो है बाद, ये पहले था तो बाद में आया, ये मतलब ये वर्तमान का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान का हो जाएगा और ये 4 वर्ष पहले का हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे जो कहा है वो पूछ, देखिए विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, विनोद हमारा कौन सा है, ये विनोद का है, विनोद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निश्चित दर प्रतिशत वार्षिक पर x की राशि 3 वर्ष में इतना हो जाएगी और 6 वर्ष में इतना हो जाएगी तो वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित क्यों होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है यहाँ पे इसको कहना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे, यहाँ पे थोड़ी मिस है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोलना चाहिए। तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे जैसे आपका 2 वर्ष में कोई दान राशि अगर 2 वर्ष और 4 वर्ष ऐसे समझिए, दो जैसे यहां इस क्वेश्चन में जो कहा है उसमें कहा है 3 वर्ष, तीन वर्ष का अमाउंट और 6 वर्ष का अमाउंट, ठीक है, 3 वर्ष का अमाउंट का रेशियो जो है, मान लीजिए कि यहाँ से दो और तीन का रेशियो अगर आ जाए, ये हम मान रहे हैं आपको, और दो अनुपात है 3 वर्ष का आ जाएगा, मतलब इनके अमाउंट का 3 वर्ष और 6 वर्ष का रेशियो का अनुपात अगर ये हो जाए, ऐसे हम कह सकते हैं कि तो 6 वर्ष और 9 वर्ष का भी 6 वर्ष और 9 वर्ष का भी अनुपात यही आएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये जब चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ाएंगे आपको तो और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, तीन वर्ष हम जानते हैं 3 वर्ष और 6 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष और 6 वर्ष का अमाउंट हमें दिया है, दोनों क्या है अमाउंट है, अमाउंट कितना है 27900 और यहाँ पे क्या दिया है
41850, ठीक है। हमें रेट निकालना है, अगर हमें रेट निकालना है तो हम यहाँ से इनका रेशियो निकालते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारा कट जाएगा, कट ये हो जाएगा, इसको 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25 और यहाँ से बचेगा कितना 29, 5 बचे 25 और बचा कितना 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 जाए 15, 5 सत्ते 35, ठीक है, ये कट गया। अब अगर हमें फिर से पीछे जाना, मतलब हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ से पूछा है x का मान, x का मान मतलब होता है प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए कहा एक निश्चित दर पर प्रतिशत वार्षिक पर x की राशि मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, ये प्रिंसिपल का मान है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल का मान है। हम अभी आपको बताएं जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक का होगा वही 3 वर्ष और 1 वर्ष का भी वही होगा, मतलब ये यहाँ 1 वर्ष में जो 1 वर्ष का मतलब है जो आपका प्रिंसिपल होता है वही हो जाता है पहले वर्ष के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर बताना चाहें आपको तो जैसे ये जो रेशियो आया है 558 और 837 का, इसी रेशियो में ये जो हो जाएगा 1 वर्ष और 3 वर्ष, ठीक है, यही रेशियो जो ये रेशियो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 558 और 837, ठीक है, 837। और हमें पता है ये तीसरे वर्ष का हमें अमाउंट दिया गया है, तीसरे वर्ष का अमाउंट हमारा कितना है 27900, कितना है 27900, 27900, ठीक है, 27900। और इसको हम क्या 3 वर्ष के अनुपात वाले में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 837। और हमें पूछ क्या रहा है, ये वाला 1 वर्ष वाला, यहाँ से हम निकालना चाहेंगे 558, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ब्याज अमाउंट निकालना है, सही है, बस अब इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हम देख रहे हैं लगभग 2, 3, 6, 3 बार में कट जाएगा, लगभग 3 बार में ये कट रहा है, ये 100 बार हो गया और ये 3 बार में कट गया, और ये 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे कटेगा 3 का 3 और 3 8 24, 3 1 का 3 बचे 25, 3 8 24, 3 6 18, 1 18, और उसके बाद ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो हो जाएगा 8600, 8618600, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए कोई है, हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही है। चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ये देखिए रेशियो जो 3 वर्ष और 6 वर्ष का रेशियो होगा वही 6 वर्ष और 9 वर्ष का होगा, और उसी तरह से हम पीछे अगर जाएं तो 3 वर्ष और 1 वर्ष का रेशियो भी उसी अनुपात में होगा, ठीक है, उसी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 14,000 रुपए में खरीदा गया और उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 4/7 पर बेचा गया, मतलब हमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4/7 यहाँ पे ये 7 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा हमारा एसपी। हम जानते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम सीपी पे निकालते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ से डिफरेंट क्या, अगर हम अंतर निकालना चाहें तो इतना अंतर ये क्या है, ये 3 का इसे क्या हुआ है, हानि हुई है, तो यहाँ से हानि निकालना चाहें, यहाँ हमको इससे मतलब ही नहीं है, अमाउंट से उसके वस्तु के मूल्य से यहाँ से मतलब नहीं, हम हमें प्रतिशत निकालना है तो हम इसी से प्रतिशत निकाल लेंगे। देखिए 3/7 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा जो होता है जो डिफरेंट होता है डिफरेंट को ऊपर लिखते हैं और जो हमारा सीपी होता है उसे नीचे लिखते हैं। सीपी का मान कितना है 7 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये क्या निकलेगा, देखिए ये यहाँ पे 7 का खरीद करके 4 का बेचा है तो यहाँ पे होगी हमेशा हानि होगी, ठीक है, ये 3/7 मतलब इसको हम कह सकते हैं 300/7, ठीक है, 300/7 इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना आएगा 7, ये ऑप्शन गलत हो गया है ऑप्शन में, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28 बचेगा यहाँ पे 20, 7 × 14 और उसके बाद बचेगा कितना 6, 42 सही 6/7%, कितना आएगा 42 सही 6/7%। चलिए ये देखिए ऑप्शन गलत हो गया, इसी में किसी में हम कर लेते हैं कितना 42 सही 6/7%, ठीक है, मतलब 42% + 6/7%, ये हमारा जो एक बना करके ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 96 और 8 है, यदि संख्या का योग 56 है तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए यहां से एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम
हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं इतना बात, और क्या कहा है इसमें, अगर हम मान ले कोई संख्या अगर मानना हो तो हम जानते हैं संख्या हमेशा क्या होगी, वो एचसीएफ उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो हम अगर हमें कोई संख्या दो माननी होगी तो हम एचसीएफ को बेस मानेंगे, एचसीएफ का मल्टीप्लाई हम वो संख्या मानना होगा तो हमें ऐसे मानेंगे 8x और 8y हम ये संख्या मान सकते हैं, और इन संख्या इनका योग हमें दिया है, कितना दिया है इनका योग दिया है हमें 56, ठीक है, इनका योग हमें 56 दिया है। अब इनका अंतर हमसे पूछ रहा है, इनका क्या पूछ रहा है हमसे, अंतर इनका पूछ रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनखंड अगर निकालना चाहें तो हमें निकल जाएगा यहाँ से एलसीएम गुणे एचसीएफ मतलब हो जाएगा 96 गुणे 8 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब यहाँ से 8y, देखिए यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो 8y और गुणे 8x, ठीक है, 8y और 8x, और यहाँ से अगर हम यहाँ से x और y का मान निकालना चाहें, देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 8 से कटाएंगे तो कितने बार चलेगा 12, मतलब x और y का मान कितना आ जाएगा, x गुणे y का मान 12 आ जाएगा। और यहाँ से अगर निकालना चाहें तो देखिए ये यहाँ से 8 कॉमन लेंगे हमारा हो जाएगा क्या, x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 56, ठीक है, x प्लस y बराबर 56, और यहाँ 8 से इसको कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा कितना 8 से 56, ये हम कह सकते हैं कि x प्लस y, x प्लस y का मान बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया, और यहाँ से x और y का मान कितना आया है 12। अब देखिए ये हमें दो संख्या मानना था, अब हम दो संख्या ऐसी मानेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आए और ऐड करने पर 7 आए, तो हम यहाँ ऐसी संख्या हम मान सकते हैं क्या, 4 और 7 मान सकते हैं, सॉरी 4 और 3 मानेंगे ना, 4 3, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा जोड़ने पर, 4 प्लस 3, ठीक है, 4 3 7 और 4 3 12 हमारा ये जो हमने ये रखा है ये सॉल्व हो गया, ठीक है, 4 और 3 मानने पर 4 4 3 7 और 4 में 3 का गुणा करने पर 12 हमें प्राप्त हो गया। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, हमें संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो हम संख्या क्या माने हैं, x और 8y माने थे, तो हम यहाँ पे अगर अब हमें संख्या निकालना हो तो संख्या हमारा निकलेगा क्या, 1 हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान 3, तो यहाँ से हम संख्या निकालेंगे 8 में 4 का गुणा करेंगे और दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा 8 गुणे y का मान कितना आया 3, ठीक है, तो एक संख्या हमारा हो जाएगा 32 और एक संख्या हो जाएगा हमारा 24। अब इनका डिफरेंट पूछा है, इनका अंतर पूछा है, अंतर यहाँ क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा 8। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही है, इसको समझिएगा बढ़िया से, हमें यहाँ से दो समीकरण निकालना था, हमें यहाँ से क्या निकालना है, दो समीकरण बनाना है और दूसरे समीकरण को तुलना करके तीसरे समीकरण को हमें निकालना है, मतलब x और y का मान निकालना, x माइनस y का मान निकालना है, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यल प्लस बी, और यहाँ हमें दिया क्या है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है, मतलब हमें क्या मान दिया है, यल गुणे बी का मान हमें को दिया है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दे दिया है, और यहाँ से हमें और एक अनुपात भी दिया है, ठीक है। चलिए देखिए हम जानते हैं अगर अनुपात दिया है 9 और 7 का, तो हम इसको मान सकते हैं क्या, 9x, ये जब भी हमें क्षेत्रफल निकालो यहाँ पे x मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 9x और 7x मान लेते हैं, इसका लंबाई 9x है और चौड़ाई 7x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 9x गुणे 7x बराबर, हमें क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 252, ठीक है, 252 हमको दिया गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालना चाहें तो यहाँ कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 दुनिया 18, 9 8 72, और ये 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहें, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, x का मान हमें पता चल गया।
अब हम एक संख्या, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर हम क्या माने हैं, x माने हैं 7x और 9, तो ये हो जाएगा मेरा 9 × 2 = 18, इसकी लंबाई 18 हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 7 × 14 हमें, ठीक है, ये हमको पता चल गया है। और हमसे पूछा क्या है, इसकी परिमिति, हम जानते हैं परिमिति क्या होगी, अभी हम आपको बताए हैं 2 × l + b, l प्लस बी हम जानते हैं, 2 × l + b, 2, l का मान कितना है 18 है और प्लस b का मान कितना है 14 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 × 14 कितना हो जाएगा 32, 32 × 2 बराबर हो जाएगा 64 सेमी, सेमी में है तो सेमी में आएगा आंसर भी, तो हमारा ये इसकी परिमिति क्या हो जाएगी 64 सेमी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है तथा उसके इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्या होता है पहले ये जानिए, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखिए ये है, समचतुर्भुज ये है, यहाँ से ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में एक और चीजें होती हैं, क्या होती हैं कि इनका जो विकर्ण है, जो विकर्ण है ना, ये हमेशा 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर काटता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। देखिए ऐसे सिर्फ दो ही चतुर्भुज ऐसे हैं जो 90 डिग्री पर काटते हैं, एक समचतुर्भुज है और एक वर्ग है, ठीक है, आपका जो वर्ग होता है वो भी, उनके भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, 20 सेमी की भुजा, यहाँ पर ये 20 सेमी है, ये भी 20 सेमी है और ये भी 20 सेमी है, और क्या क्या है, कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। इसमें देखिए इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भी काटते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 24 है, हम कह सकते हैं ये 12 होगा और ये 12 होगा, ठीक है, ये 12 होगा और ये 12 होगा। हमें क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 × 1/2 × मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल मतलब d1 × d2, ये d1 × d2 d5 डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है। चलिए देखिए अब हमें एक विकर्ण तो पता चल गई है, एक विकर्ण हमें और पता करनी है तभी हम निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, कोई समकोण त्रिभुज है अगर, तो हम जानते हैं अगर दो भुजा दिया है तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए 90 है, 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, इसका मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और क्या होगा देखिए, उसके बाद ये कितना है, ये इसके आधार की आधार का मान है, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें इसका मान पूछ रहा है, ये क्या है लंब है, हमें ये लंब अगर निकालना हो तो हम लंब का मान क्या निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या हम यहाँ से ट्रिपलेट निकालना चाहें, ट्रिपलेट जानते हैं क्या होता है, ट्रिपलेट देखिए ट्रिपलेट होता है ये 3 4 5, 3 4 5 होता है और एक होता है 6 8 8 10, ठीक है। हम देखते हैं ये देखिए हमें ये 12 और 20 दिख रहे हैं, मतलब इनका अगर आधा आधा करेंगे तो ये 10 बनेगा और ये 6 बनेगा, तो हम जानते हैं ये अगला वाला क्या बन जाएगा 8 बनेगा, तो 8 का भी डबल होगा, 8 का डबल हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 16 होगा। तो हम यहाँ से ये हम निकाल लिए हैं क्या, लंब निकाल लिए हैं, ये लंब मतलब हो जाएगी, अगर हम इस त्रिभुज को लिए थे दो भुजा हमारी ये थी, तीसरी भुजा ये होगी, तो तीसरी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, यहाँ से 16 हो जाएगी तो ये भी 16 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अगर यहाँ से यहाँ 16 होगी तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। हमें यहाँ से अगर पता चल गया दोनों विकर्ण, d1 का मान अगर मान लीजिए 24 दिया था तो d2 का मान हमें क्या हो जाएगा, d2 का मान हमारा हो जाएगा 16 × 32, ठीक है, 16 × 32। अब हमें से क्षेत्रफल पूछा है तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, देखिए ये क्या कह रहा है फार्मूला, 1/2 × d1 का मान हमें कितना पता चला है 24 और d2 का मान क्या है 32, d2 का मान क्या है 32 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 16 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे 16 × 64, 16 × 32 और 32 × 38 384 क्या है सेमी में है, तो सेमी सेमी स्क्वायर आ जाएगा, सेमी स्क्वायर, ठीक है, 384 सेमी स्क्वायर, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी अगर जानते रहेंगे तो इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि दोनों के जो बिकर्ड होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, और दोनों के बिकर्ड जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है आपको जो पढ़ाएंगे तो और अच्छे से और समझाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उनकी परिधि अपनी पूर्व परिधि की कितने गुनी हो जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि, देखिए परिधि क्या होगी, 2πr। हम क्या जानते हैं, 2πr, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। यहां से कह रहा है कि त्रिज्या पहले की 3 गुनी कर दी जाए ना, तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि वृत्त की पहले परिधि अगर हो जाएगी 2πr, 2πr r1 हो जाएगी, या इसको कहते हैं केवल r, तो और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2πr, ये 3 गुनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3r, कितना हो जाएगा 3r। अब यहां से हमको यहां से कटा के अनुपात निकालना है। देखिए पाई से पाई, 2 से 2, r से r, यहां पे अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3, कितना आ गया 1:3। तो यहां से ये पता चला हमें कि जो हमारी परिधि है अगर त्रिज्या को 3 गुना किया जाएगा तो परिधि भी क्या हो जाएगी हमारी, 3 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, हम आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे तरीके से। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे आपसे।